अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। डेली व्लॉगिंग की कोशिश करने वाले हैं हम। बाल बहुत बुरे लग रहे हैं यार, मैं टोपी पहन लूं? पठानों वाली टोपी हमारी जो है वो पहन लूं? नहीं, मेरे बाल कवर होते, इतने बेतुके बाल करवा दिए आप लोगों ने। नहीं कर रहे आप लोग सब्सक्राइब, कितनी बुरी बात है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। और ये इंसान जिसने मेरी गाड़ी कैसी तैसी की, मैंने इसकी ऐसी तैसी बिल्कुल नहीं की। अच्छा लड़का है तू, अच्छा लड़का है। ओ भाई नहीं, अभी हम लोग जाएंगे, एक सरप्राइज है वो आ रहा है, वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन हम जाएंगे अपने जानवरों से मिलेंगे। जरावर था जिन साहब, तू साथ चल, क्योंकि तुझे नाम याद है, मैं नाम भूल गया। जरावर था और क्या जरावर यार चौधरी, भूल जाएंगे यार ना करे। जरावर जनावर हाँ पोला रोला भी कह रहे हैं हमारे, क्या नाम रखे जिनने। भाई हम जाते हैं उनसे मिल के आते हैं, लेट्स गो। हैशटैग एनोनिमस की पब्लिक, जरा एक बात बताओ, आपने इतना साफ साइको देखा है पहले? मैं इसको बिल्कुल नहीं धुलाता था, और इसका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, वो आपको पता चलेगा। इतना साफ सुथरा चमका हुआ साइको कितने अरसे बाद देखने को मिला आपको, पता है काय को? नहीं पता ना, सरप्राइज है। और चमकाने के लिए लेके जा रहे हैं, इससे ज्यादा चमकाने के लिए, तो लेट्स गो। और जाके अपने साथ नहीं छह जानवरों का भी हाल हवाल लेते हैं। गर्मी में आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना, यकीन करो ऐसी आग लगी होती है। हमारे सिंध में पता है क्या होता है, लोगों ने ना ब्लैक पेपर लगवाए होते हैं साइड में भी और फ्रंट शीशे पे भी, और वहाँ कोई परमानेंट वाला सीन नहीं है भाई, फुल झकास निजाम चल रहा होता है। हाँ काफी जगह पे फॉलो भी किया जाता है, लेकिन वहाँ पे लोग इसलिए लगवाते हैं क्योंकि उनको गर्मी से बचना होता है, सूरज की रोशनी से बचना होता है, तो वो काफी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं ब्लैक पेपर, क्योंकि वहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा होती है और गाड़ी आग बन जाती है। तो ब्लैक पेपर क्या करता है, वो सूरज की तपिश को गाड़ी में अंदर आने से थोड़ा सा रोकता है। बॉयज अभी आ रहे हैं, आ जाओ और हम चलते हैं। गर्म होती है गाड़ी बहुत ज्यादा, थोड़ी देर एसी चलाऊंगा तो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। यार अभी हमने साइको को छोड़ दिया है, इसका थोड़ा सा काम होगा, साफ सुथरा है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का काम करवा के इसको बाद में लेके जाएंगे यहाँ से। बाड़े की हालत कुछ ऐसी है कि बच्चे बंधे हुए हैं बाहर, बाकी सारे तो भैंसों के बच्चे हैं ये, और ये दोनों गाय के बच्चे हैं। ये बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, लेकिन थोड़ा सा कमजोर है ये, वो दूसरे वाला सेहतमंद है, इसका पता करेंगे कि क्या कमजोर क्यों है। फुहारा चल पड़ा है और हमारे जानवर बंधे हुए अंदर, ब्लैक के ऊपर शोर कर रही है। आ जाओ जिन, अपने जरावर को देख लो कैसे। अच्छा क्योंकि कल ये सफर करके आए थे ना, तो बुखार भी था इनमें से, इनको भी बुखार होता है बाय द वे, अगर आपको नहीं पता। तो गोलियां शोलियां किसे की दी है, तो सेट हो जाएंगे। जरावर छोटी चिक्की, वाइट वाला जरावर, ये था जरावर नहीं, ये रोला है बे भाई, रोला बड़ी चिक्की, ये जरावर, ये पोला। तालियां होनी चाहिए। पोला जिस तरह देख रहा ना, मुझे लग नहीं रहा ये पोला है। अगर ये पोला, इसको हमने खोला तो उसने सर भी किसी का खोला। जोक मारा। चलो ब्लैकी को भी देखते हैं कैसी है जरा। आ जाओ ब्लैकी से मिलते हैं, जिन तेरे कपड़े गंदे करवाओ। ब्लैकी पकड़ ब्लैकी। बस 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 जान लेगी, अब जान लेगी। ब्लैकी कैसा मेरा बच्चा? बस 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 ठंडा हो जा, बस नो खुश है, खुश है, खुश है। बताइए हंस रही है जिन? ये हंस रही है, कहती है जिनको मुझे प्यार करना है। ज्यादा चलाक बन रहा है, बहुत तेज हो रहा है ब्लैकी। बस जाओ अंदर, चलो अंदर 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 अंदर। बस नो सुन ली उसने बात, अंदर गई, हमने उसको ये नहीं कहा था कि बाहर नहीं आना। वाह जी वाह, चलो दिल नहीं है देख, इसको पता हम चले जाएंगे छोड़ के इसे। इसके मुंह में हाथ डाल के दिखा, जिन जैसे मैं हाथ डालता हूँ मुंह में ऐसे हाथ डाल के, समझ रहे हो? हाँ ये इनका यही है, उछलती है खेलने के लिए, नाखून लगेंगे, या अगर तूने इसने प्यार से बाइट किया और तूने खींचा उस तरीके से लगेंगे, काटेगी नहीं। अब इसको अंदर बंद करते हैं और हम लोग चलते हैं रबो की तरफ। गुड गर्ल, शाबाश, बाय बाय, आएंगे वापस आएंगे। अच्छा बाय बाय। अभी क्योंकि सैटरडे था तो फिर मैंने उसके बाद स्ट्रीम स्टार्ट कर दी, और स्ट्रीम हो चुकी है 6.5 घंटे की। सेटअप आप देख सकते हो, बिरयानी मैंने खाई थी, ठीक है, चाय चाय पी ली थी, और मैं कमेंट्स भी रीड कर रहा था आप लोग के, तो काफी मजे का मैच जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ काफी मजे की स्ट्रीम जा रही है, मैं सोच रहा हूँ स्ट्रीम बंद कर दूँ, उसके बाद थोड़ा घर की एक्टिविटी, और मैंने माइंड में शैतानों वाली गेम सोची हुई है, हम वो भी खेल सकते हैं। पब्लिक की चैट कितनी तेज चल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। स्ट्रीम बंद करने वाला ये जो कमेंट है ना अब्दुल्ला भाई का, अब्दुल्ला खान ब्रो थैंक्स फॉर एंटरटेनिंग अस, बहुत अच्छा लगा, बेस्ट कमेंट लगा, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई। पब्लिक 10 घंटे की स्ट्रीम के बाद थकान बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ना आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया था वीडियो पे, और इन पर मुझे गुस्सा बहुत आया था, बट गुस्सा पता है कम क्यों हुआ था, मेरा माइंड चेंज क्यों हुआ था, वो था आप लोगों का रिस्पांस। इतने लोगों ने बोला उन भाई साइलेंट को कुछ ना कहना, बहुत से लोग गुस्सा भी थे, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे थे इनको कुछ ना कहना, आपकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, आपका टीम आपकी टीम टूट जाएगी,
कमेंट्स बहुत ज्यादा हैं तो मैंने सोचा आज ना थोड़ी कमेंट्स रीड किए जाएं और देखा जाए कि पब्लिक क्या कह रही थी। फाइट इज नॉट द सॉल्यूशन, बी ब्रदर अगेन एंड व्हाट हैपेंड, अल्लाह विल मेक एवरीथिंग बेटर, एनोनिमस भाई। सिर्फ साइलेंट की गलती नहीं थी, वीडियो में मैंने देखा कि ये सारे शामिल थे, तो रिवेंज तो होगा, सही है। रिवेंज मैं नेक्स्ट वीडियो में चलो कर लेता हूँ, चैलेंज टाइप भी करूंगा, इनसे ऐसे ऐसे काम करवाऊंगा कि इनकी ऐसी की तैसी हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शुक्र है सुलह हो गई। नेवर लेट योर टीम गो अवे और लीव यू, स्प्रेड लव विद योर टीम मेंबर्स, बाकी लव यू बाबा जी। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। साइलेंट टुक इट सो फार बिकॉज ऑफ द डिसरिस्पेक्ट टू सिम्बा एंड मिसबिहेविंग विद एवरीवन, दिस इज नॉट गुड, होपफुली दिस विल नॉट लीड टू समथिंग रॉन्ग। जैन भाई जा तो रहा था बट रंग का डब्बा खुलते खुलते बचा। फिर साइलेंट ने मुझ पर एक्सपोज वीडियोज बनाना शुरू कर दी थी, कर देनी थी। हैं मुबीन भाई ने मेरे साथ ये कर दिया, मुबीन भाई ने मेरे साथ वो कर दिया, मैंने वो राज बंद नहीं रहने। तौबा तौबा तौबा। फीलिंग सैड फॉर मुबीन भाई, बी ब्रेव एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। ठीक है कर लेंगे सुलह। आम कह रही है कि फाइट इज नॉट द सॉल्यूशन, मुबीन भाई दिल बड़ा करो, मुबीन भाई दिल बड़ा, बहुत बड़ा है अंदर। लेकिन वो वाला पार्ट बड़ा मजे का था, वो जब इसने मुझे होते दिए ना और मैं निकल लिया बाद में इसको अंदर फेंका। बचाओ, सच बताऊं झूठ नहीं बोलूंगा, एक तो थी फिसलन, ऊपर मेरा जिस्म काम करना बंद गया, मैं अंदर गया आज क्या, और मेरा दिल ही नहीं करता किसका आदमी पकड़ू। डूब साले। ओ भाई एक बंदा साइलेंट का पक्का वोटर है, पता क्या कह रहा है, कह रहा है बल्कि कह रही है, ओ भाई भाई कह रही है, आई स्टिल थिंक पिकिंग अप गोबर वाज द वर्स्ट, जो भी होता है वो, बट यार द पार्ट वेयर दे टोर ऑफ ऑल द रैपर्स टू मच, चलो थोड़ा सा पोर्शन सामने से जो उतार रहे थे वो उतारते तो समझ आती, सिर्फ उससे रैप लगाना पड़ता, अब पूरी गाड़ी करानी पड़ेगी। ये मूवी में बोला भी था, मैंने एक चीज़ बोली थी कि वो थोड़ा सा उतार देते मसला नहीं था, पूरी गाड़ी करवानी पड़ेगी, लेकिन इनको फिर भी लगता है कि गोबर उठाने वाला जो था वो ज़्यादा बुरा था। सारी बातें नाम बताने, क्या नाम नाम बताओ यार। अरीच मैं सपना तो नहीं देख रहा, की बहन है। क्या आपने बताना है इनके साथ क्या किया जाए, कमेंट सेक्शन भर दो, अच्छे अच्छे आइडियाज दो, ऐसी खतरनाक खतरनाक चीजें, तो मैं खुद अपने से कुछ निकाल के नहीं लाऊंगा, ठीक है। कल को ये नहीं कह सकते मुबीन भाई ने ये करवाया था, नहीं पब्लिक ने करवाया था, जो करवाया था, तो आपने जरा कमेंट सेक्शन में बताना है और फिर आप देखना इनके साथ नेक्स्ट वीडियो में होता क्या है। डेली व्लॉग्स आते रहेंगे, थैंक यू सो मच वॉचिंग। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, स्नैप, व्हाट्सएप नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज। ये मैं खुद ही कर रहा हूँ।